बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th इंग्लिश क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 6 टेलीविजन वर्सेस न्यूज़पेपर कंप्लीट किया था। आज हम यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, लिटिल बाय लिटिल वन मार्क्स फॉर। ठीक है, एज अ स्टूडेंट आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस यूनिट से भी। इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लिटिल बाय लिटिल वन मार्क्स फॉर, यानी थोड़ा थोड़ा करके इंसान दूर तक चला जाता है। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ है इसका, पेज नंबर है मेरे पास 80। द लास्ट कपल ऑफ इयर्स हैव बीन अ लॉन्ग बंपी राइड फॉर मी एज दे हैव फॉर एवरीवन ऑफ माय एज। ठीक है, बंपी राइड यानी कठिन सफर। गुज़श्ता कई वर्ष मेरे लिए तवील कठिन सफर की मानद रहे हैं, जैसा कि मेरी उम्र के हर फर्द के लिए होते हैं। द एक्सपीरियंसेस माइट बी डिफरेंट बट एवरीवन हैज गॉन थ्रू मेनी ऑफ द सेम टीनएज सरकमस्टेंसेस एज आई हैव डन। तजर्बात मुख्तलिफ हो सकते हैं, मगर हर एक और उम्री में इस तरह के हालात में से गुजरना पड़ता है जैसे कि मैं गुजरा हूँ। ऑल ऑफ देम हैव डेल्ट विद देम इन देयर ओन वे, वो सब उनसे अपने तरीके से निपटते हैं। एज अ पर्सनल पार्टिसिपेंट इन दिस गेम, इस खेल में एक शरीकदार होने की हैसियत से, we call life, जिसे हम जिंदगी कहते हैं, I would say I worked hard for the first place and earned it। ठीक है, मैं ये कहूँगा कि मैंने पहले दर्जा हासिल करने के लिए मेहनत, सख्त मेहनत की और मैंने इसे हासिल कर लिया, मैंने इसे पा लिया। That is just my creative view of things। ठीक है, ये अशिया के बारे में मेरा तकनीकी नुक्ता नजर है। It is bad, but the fact is that not everyone sees it in the same way I do। ठीक है, ये it is bad, ये बुरा हो सकता है, but the fact is that, लेकिन हकीकत ये है that not everyone sees it in the same way as I do। ठीक है, कि हर कोई उसे उस तरह से या उस नुक्ते नजर से नहीं देखता जैसा कि मैं देखता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक्सरसाइज सॉरी पैराग्राफ नंबर 2 है। एज अ स्टूडेंट, बतौर तालिबे इल्म, I am an active participant in academic and co-curricular activities। ठीक है, बहसियत एक तालिबे इल्म के, मैं नसाबी और मौवन सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाला इंसान हूँ। My first priority has always been to get good grades in school। हमेशा मेरी अवलीन तरजीह यही रही है कि स्कूल में अच्छे ग्रेड हासिल करूँ। Although this is important to me, इगर से ये बात मेरे लिए अहम है। I also know that by participating in sports and after school activities, I will become a well-rounded student। ठीक है, इगर से ये बात मेरे लिए अहम है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि खेलों और बाद स्कूल की सरगर्मियों में हिस्सा लेने से मैं हुमा पहलू तालिबे इल्म बन जाऊँगा, यानी हर लिहाज से एक अच्छा स्टूडेंट बन जाऊँगा। During the past years of my high school career, I participated and received awards in the following: Qaid-e-Azam badge in scouting, winner of Who's Who quiz program at district level, and academic excellence award while participating in inter-district examination contest and essay writing competition for the year 2011। ठीक है, हाई स्कूल में अपने तालीमी दौरान के गुज़श्ता सालों के दौरान मैंने 10 शोबों में यानी प्रोग्रामों में हिस्सा लिया और अवार्ड्स हासिल किए। उनमें कौन कौन से, स्काउटिंग में कायदे आज़म बैच, ठीक है, जिले सतह पर कौन क्या है कि क्विज प्रोग्राम्स। ठीक है, उसके बाद मैंने उसमें फतह हासिल की और फिर 2011 में बैन अल-अक़वामी तकरीरी मुकाबले और मजमून अवेसी के मुकाबले में शानदार तालीमी कारकर्दगी का अवार्ड भी हासिल किया। I also belong to the following clubs। ठीक है, मैं मजीद जो है वो मुख्तलिफ क्लबों से भी मेरा ताल्लुक रहा है। ठीक है, कौन कौन से क्लब ज्वाइन किए थे जी? रीडिंग क्लब 2 years। ठीक है, 2 सालों के लिए मैंने मुताले का जो क्लब था वो रीडिंग क्लब में 2 साल मैंने गुजारे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ईयर एस सेक्रेटरी रीडिंग क्लब एंड कंप्यूटर क्लब। ठीक है, सेकेंड ईयर बतौर सेक्रेटरी रीडिंग क्लब और कंप्यूटर क्लब भी मैंने ज्वाइन किए थे। आई रिसीव्ड अवार्ड्स इन द फॉलोइंग क्लासेस, मैंने मुद्दतें सेल क्लासेस में अवार्ड हासिल किए। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन 2009 में, ठीक है, 2009 में मैंने मजीद जो है वो इन क्लासेस में अवार्ड हासिल किए। कंप्यूटर एप्लीकेशन, ज्योग्राफी एंड एडवांस अलजेब्रा, अलजेब्रा आर्ट, ट्रिगोनोमेट्री,
ठीक है, मैंने जो है वो मजीद किस किस में अवार्ड हासिल किए थे, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, जियोग्राफी में और एडवांस अलजेब्रा में यानी ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। उसके बाद क्या किया जी, आई आल्सो रिसीव एन अवार्ड फॉर मोस्ट इनकरेजिंग स्टूडेंट, ठीक है। मुझे एक सबसे ज्यादा हौसला अफजा स्टूडेंट का अवार्ड भी मिला। आई करेंटली बिलोंग टू द hiking and outdoor clubs and an environmental awareness club. In addition, this year I participated in a program called Read with a Friend. ठीक है, अब वो कहता है कि मैंने उसके बाद क्या किया, यानी मुझे हौसला अफजा स्टूडेंट होने का अवार्ड भी मिला। फिर मैंने क्या किया, आई करेंटली बिलोंग टू द hiking. हाइकिंग किसे कहते हैं, यानी माउंटेन क्लाइंबिंग जो है वो भी उसे शौक था, ठीक है, वो भी उसने काम किया। और उसके बाद जो है उसने क्या किया, आउटडोर क्लब्स भी ज्वाइन किए, ठीक है, और एन एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्लब और माहौलियाती आगाही के क्लब से भी ताल्लुक रहा। इन एडिशन मजीद दिस ईयर आई पार्टिसिपेटेड इन अ प्रोग्राम कॉल्ड रीड विद अ फ्रेंड। इसके अलावा मैंने इस साल एक प्रोग्राम जो कि किसी दोस्त के साथ मिलकर पढ़ो कहलाता है, उसमें भी हिस्सा लिया। In this program, इस प्रोग्राम में I along with a group of other students went to the nearby elementary school to read to a class of students from kindergarten to fifth grade. ठीक है, उसके बाद मैंने इस प्रोग्राम में दीगर तलबा के ग्रुप के साथ kindergarten से लेकर पांचवी जमायत के तलबा को पढ़कर सुनाने के लिए करीबी elementary school में हिस्सा लिया। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है जी, पैराग्राफ नंबर 3। इन ऑर्डर टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिस्पांसिबिलिटी आई हैड सेवरल समर जॉब्स इन द प्रीसीडिंग 2 इयर्स। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि आज़ादी और जिम्मेदारी की समझ बूझ हासिल करने के लिए मैंने गुज़श्ता 2 बरसों में मौसम गर्मा में कई काम किए। आई आल्सो वर्क टू हेल्प माई सेल्फ फाइनेंशियली इन अ बोर्डिंग स्कूल। मैंने माली लिहाज से अपनी मदद आप करने के लिए एक बोर्डिंग स्कूल में भी काम किया। माई फर्स्ट समर जॉब वॉज एट अ इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर। मेरी पहली जो मौसम गर्मा की तादीलात में पहली मुलाजमत थी वो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में की। माई सेकेंड जॉब वॉज एट मैकडोनल्ड्स एंड माई फर्स्ट समर जॉब वॉज एट डीके अकेडमी। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि मैंने दूसरी मुलाजमत जो थी वो मैकडोनल्ड्स में की और गुज़श्ता मौसम गर्मा में मैंने डीके एकेडमी में काम किया। आई एम थैंकफुल टू ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस फॉर दीज जॉब एक्सपीरियंसेस। ठीक है, मैं तमाम इन इदारों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे काम के इन तजर्बात से नवाजा, यानी मुझे काम का तजर्बा दिया। दे हैव प्रिपेयर्ड मी मेंटली एंड फाइनेंशियली। इन्होंने मुझे ذہنی اور مالی طور پر بہتر بنایا، تیار کیا۔ دس از امپورٹنٹ ان اے وے دیٹ آئی ایم ناؤ مور میچور اینڈ ریسپانسیبل۔ ٹھیک ہے، اور یہ ایک لحاظ سے اس طرح بھی اہم ہے کہ اب میں زیادہ سمجھدار اور ذمہ دار ہو گیا ہوں، وچ ہیلپس می ناٹ ٹو بی وریڈ اباؤٹ دا فیوچر بٹ ٹو لک فارورڈ ٹو اٹ۔ ٹھیک ہے، جس سے مجھے مدد ملتی ہے کہ میں مستقبل کے بارے میں پریشان نہ ہوں بلکہ اس کا شدت سے منتظر ہوں، یعنی اس میں कॉन्फिडेंस आया था। ठीक है, जब भी आप अपने लिए जॉब करते हैं, यानी जो आपकी फर्स्ट जॉब होती है वो हमेशा उससे आप उससे कुछ लर्न करते हैं। ठीक है, बजाय इसकी कि आप उसको फॉर एग्जाम्पल आपका अगर किसी प्रोफेशन में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी आपको उन डेज में, ठीक है, अपने स्पोर्ट के लिए या अपने टाइम किल करने के लिए आपको कोई जॉब करनी पड़ती है तो आप उसको दिल से करें। ठीक है, उसमें एफर्ट करें क्योंकि हर जॉब आपको हर प्रोफेशन कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है। Next से paragraph number 4, I am glad that I have got a taste of what the real world has to offer. मैं खुश हूँ कि मैंने उस चीज का तजर्बा हासिल कर लिया है जो हकीकी दुनिया के पास पेश करने के लिए मौजूद है। I have learned many lessons from my public high school boarding school and work experiences. मैंने अपने public high school boarding school और काम से हासिल होने वाले तजर्बा से बहुत कुछ सीखा है। I am now ready to learn many more lessons from my college experience. अब मैं अपने कॉलेज के तजर्बे से बहुत से मजीद असबाक सीखने के लिए तैयार हूँ। Although it has been tough, but I have succeeded so far. ठीक है, गर्चे ये काम मुश्किल रहा है मगर मैं अब तक कामयाब रहा हूँ। I am prepared to excel and make it much further in the years to come with my college education.
मैं आगे बढ़ने के लिए और आने वाले सालों में अपनी कॉलेज की तालीम के साथ इसमें मजीद इजाफे के लिए भी तैयार हूँ. दिस डेवलपिंग पॉजिटिव आउटलुक हैज गिवन मी द मोटिवेशन दैट आई नीड टू बिकम सक्सेसफुल. ठीक है, इस तरह मुस्बत नुक्ते तकलीफ आने से मुझे तहरीक मिली है कि मुझे कामयाब होने की जरूरत है. यानी आपको मोटिवेशन मिलती है जब भी आप कोई काम करते हैं. ठीक है, और यहाँ पे चूंकि राइटर आपको अपने अपने बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से उसने अपने आप को सपोर्ट किया. ठीक है, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, इवन के जो बैकवर्ड एरियाज में रहते हैं, ठीक है, वो बहुत लाइफ स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, जहीन होते हैं, लेकिन क्या है कि बाज़ औक़ात उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते. ठीक है, और कभी जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस जिन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है एज सून एज पॉसिबल, तो उनके लिए वो चीज जो है वो उनके अपने जो ड्रीम्स होते हैं, ठीक है, अपने जो उनकी एक पर्सनैलिटी होती है वो उन्हीं के नीचे दब जाती है. ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए आपको ये सीखने को मिला है कि अपने आप को भी अपने साथ साथ बिल्डअप करना है. अगर आप में कोई प्रेशर है, ठीक है, तो आपने उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, ना कि आप खुद को जो है वो हालात के हवाले कर दें. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई नेवर गिव अप. मैंने कभी भी जो है वो अपनी कोशिश को तर्क नहीं किया. When I am determined to achieve, जब मैं हासिल करने हिस्सा हासिल करने का इरादा कर लेता हूँ, I shoot for the moon and land amongst the stars. तो मैं इस आसमान और जमीन के कलाबे मिला देता हूँ, यानी इन आसमानों और जमीन का जो फासला है वो तय कर लेता हूँ. ठीक है, ये सब बच्चों आपका यूनिट नंबर 7. होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आपको सीखने को भी इससे बहुत कुछ मिला होगा. इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी क्वेश्चन आंसर करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.